चौधरी अब्दुल गनी जो हवेली कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, आज अपने नॉमिनेशन फाइल सबमिट करवाने के लिए एसीआर ऑफिस जा रहे हैं। एमपी गुलाम अली खटाना साहब उनके साथ, उनके अलावा और भी लीडर आने से बात करेंगे। गुलाम अली खटाना साहब, हवेली कॉन्स्टिट्यूएंसी को किस तरीके से देखते हैं? पहले जो लोग यहाँ पर इसमें शामिल थे, अब चौधरी अब्दुल गनी यहाँ आए हैं और उन्हें मैंडेट दिया गया है, किस तरीके से आप यहाँ पर जीत रहे हैं? आप देख लीजिए ना, कैमरा घुमाइए आपके सामने, कौन सी है मजबूरी। रैलीज में कल भी जो नॉमिनेशन फाइल्स हुए हैं उसमें भी लोग आए, उन लीडरान ने कहा कि हमारी जीत जो है वो तय है। अगर रैलीज पर जाएं तो वहां पर भी कल लोग जो है वो शामिल है। आपको आप अच्छी तरह कैमरे घुमाइए ना, आपको मालूम हो जाएगा जी। फिर आपको वो लोग भूल जाएंगे जो कभी लोगों में नहीं रहते हैं जी, लोगों के लिए काम नहीं करते हैं जी। उन्होंने राजौरी पुंछ के लोगों को आपस में लड़वाया है, उनके हकों की बात नहीं करी है जी। भारतीय जनता पार्टी ने इन रिमोट वाटर बेल्ट की डेवलपमेंट करी है जी, और यहाँ टूरिज्म मैप पे लाया जाएगा, अमन है। उसी नरेंद्र मोदी जी के अमन का ये नतीजा है कि लोग भारी तादाद में आ रहे हैं जी, और नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज को लोग समझते हुए जी, आज हर कोई भारतीय जनता पार्टी में इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्ट ग्रेड रिलीजन जी आना चाहता है जी, क्योंकि बचौले खत्म कर दिए, चोरी खत्म कर दी जी। अच्छा किसान साहब, चूंकि 50+ का नारा दिया गया भारतीय जनता पार्टी की जानिब से, और जब भी जिसे मैंडेट दिया गया है वो नॉमिनेशन फाइल्स अपने सबमिट करवाने के लिए जा रहा है, तो वहाँ कोई ना कोई एमपी साथ में होता है, कैबिनेट मिनिस्टर होता है, तो क्या पॉलिसी, क्या रणनीति बीजेपी की है कि जम्मू कश्मीर में 50+ जो सीट्स हैं वो लाएंगे? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी लोगों के हित के लिए काम करती है, लोगों में रहती है, उनकी सियासी नजरें ही नहीं करते, और लोग हमें मौका दे कैसे होते हैं? भारतीय जनता पार्टी कोई लोग मौका दे के सेवा करते हैं। तो ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी जो बीच में कुछ मौका दे के सेवा करने, कुछ डिफरेंसेस जो बीच में आई थी उस हवाले से क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी में, क्या लीडरान कहीं खफा तो नहीं है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश के हित में काम करता है, समाज के हित में काम करता है, अपने पेट नहीं भरता है, वो कांग्रेस का कल्चर है, यहाँ कोई गुटबंदी नहीं। बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ एमपी गुलाम अली खटाना थे, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की न सिर्फ हवेली में बल्कि जम्मू और कश्मीर में जो है वो जीत होगी, वो सरकार बनाई जाएगी। देखते रहे पुंछ टाइम्स, वसीम हैदरी के साथ।